So I can I ask you a question? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? How did Jesus know he had to go to Galilee? यीशु मसीह को ये कैसे पता चला कि उनका गलील जाना जरूरी था? How did Jesus know he had to go to Capernaum in Galilee and Isaiah had said it? और यीशु मसीह को कैसे पता चला कि यशायाह ने ऐसा कहा था कि जो उद्धार करता है उसे कपरनहूम या गलील में जाना उसका जरूरी है? He read. Somebody said he read. He read the Bible. नहीं था तब. But I hear you. In other words, दूसरे शब्दों में, I want you to listen to this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनें. He had friends. उसके पास मित्र थे. With whom he could talk scripture. जिसके साथ वो परमेश्वर के वचनों के बारे में विवाद या बातें कर सकता था. Yeah. That is why at 12. इसलिए 12 को. Is sitting and talking to scribes and Pharisees. Tell me more about this Messiah that you are talking about. इसलिए 12 साल के वर्ष में यीशु मसीह जो फरीसी हैं जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जाकर कहते कि ये मसीह जो है इसके बारे में मुझे कुछ और बताओ. When every kid was talking about football and cricket and something else. जब हर एक बच्चा फुटबॉल क्रिकेट या किसी और बारे में बात कर रहा था. I have no time for this thing. मेरे पास इस चीज के लिए समय नहीं है. I want to know everything there is to know about this Messiah. What does the scripture say? At 12, he was deciding what he's going to do at 30 years in his life. और 12 साल की उम्र में उन्होंने निर्णय ले लिया था कि वो 30 साल की उम्र में क्या करने वाले हैं. वो जाकर पूछा करते थे कि मुझे हर वो बात बताओ जो ये मसीहा के बारे में. Which means your associations determine your alignment in life. जिसका मतलब ये है कि हम किसके साथ हमारे जीवन में हम किसके साथ जुड़े हैं वो हमारे भविष्य को दिखाता. Nobody wants to say amen. कोई भी amen नहीं कहना चाहता. You want to be a history maker, follow a history maker. Sooner or later you become a history maker. अगर आप इतिहास रचने वाले बनना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चले जिस जो खुद इतिहास रच रहा है. कभी ना कभी आप भी इतिहास जरूर रचेंगे. Are you with me? क्या आप मेरे संग हैं? You want to be a drunkard? Surround yourself with 5 drunkards. अगर आप बेवड़े बनना चाहते हैं तो अपने आप को 5 बेवड़ों के साथ आप घेर लें. Sooner or later that spirit will come inside of you. आज या कल वो आत्मा आप में जरूर आएगी. Are you with me? क्या आप मेरे संग हैं? You must understand this. आपको ये समझना जरूरी है. Associations determine your alignment in life. और आपके जीवन में आप किसके साथ जुड़े हैं वो आपके जीवन को बताती है. How many of you know Joseph and Mary? Mary the mother of Jesus and Joseph the husband of Mary. How many of you know about them? आप में से कितने मरियम और यूसुफ के बारे में आप जानते हैं? You need deliverance in Jesus name. बाकी सभी को यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की जरूरत है. How many of you know Mary the mother of Jesus? आप में से कितने मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी उसे जानते हैं? Okay, good, wonderful. Mary was the one that was pregnant with Jesus. मरियम जो है ये वो थी जो जो यीशु मसीह को अपने गर्भ में लिए चल रही थी. She is the one the angel visited. ये वो थी जिसके पास स्वर्गदूत आया. She is the one that had heaven open over her life. ये वो स्त्री थी जिसके जीवन पर स्वर्ग खुला हुआ था. Joseph was an ordinary guy. यूसुफ जो एक बहुत ही आम इंसान था. But the Bible says he was engaged to Mary. लेकिन बाइबल बताती कि उसका जो है उसकी मंगनी जो है मरियम के साथ हो चुकी थी. And because he was engaged, और क्योंकि वो उसके साथ जुड़ चुका था. He was about to put her away. He says, I don't want to marry this lady. और वो अपनी मंगनी को नकार कर वो कहना चाहता था कि मैं इस औरत से शादी नहीं करना चाहता. The Bible says an angel visited Joseph. और बाइबल बताती कि एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया. Hey, hang on. रुकिए जरा. She is the one with the destiny. ये वो है जिसके पास मंजिल है. She is the one with Jesus. उसके पास यीशु मसीह है. She is the one carrying Christ. वो है जो यीशु मसीह को लिए चल रही है. She is the one that has angels visiting her. वो है जिसके पास स्वर्गदूत उससे मिलने के लिए आते हैं. मैं कोई खास नहीं. But because I am associated. लेकिन क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ा हूँ. Everything that is open over her life is opening over mine. हर वो बात जो उसके जीवन पर खुली है वो मेरे जीवन पर भी खुल जाती है. It's simple. बहुत ही आसान है. You want an encounter with God, make contact with somebody that's having an encounter with God. अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, आमना सामना चाहते हैं, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाए जो खुद अपने जीवन में अब इस वक्त परमेश्वर के साथ आमना सामना पर. You want to be a lover of God, begin to associate yourself with the lover of God, and suddenly you will see yourself loving Jesus at another level altogether. और अगर आप यीशु मसीह के प्रेमी बनना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाए जो यीशु मसीह का प्रेमी अब है और आप देखेंगे कि आपका प्यार जो है वो किसी और दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा.
It's impossible for you to hang out with people that hang out with Jesus and live ordinary. और ये बहुत ही असंभव है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और आपका जीवन जो है आम हो. You didn't get that. I'll say that again. शायद आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसे कहना चाहूँगा. It's impossible for you to hang out with people that hang out with Jesus and then die ordinary. ये बहुत ही असंभव है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं जो यीशु मसीह के साथ आज जुड़े हुए हैं और आप अपने जीवन में आम जिंदगी जीकर मर जाएं. Amen. Turn to your neighbor and say associations are important. अपने पड़ोसी को देखें और कहें जिस किसने किसके साथ जुड़ना है ये जरूरी है. Because your association brings alignment in your life. क्योंकि आपकी मित्रता आपके जीवन में एक सही राह को लेकर आएगी.